नो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब आप जब फूड को न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा कि होल फूड, होल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, अब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें जो एनर्जी हमें मिलती है, यानी कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस जिसमें फूड ऑक्सीजन के कारण ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन. यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन ऑन द टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बेस पे हम रेस्पिरेशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. तो पहला लिखोगे टाइप्स, इसको लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी के नहीं होगी. अब इसके बेस पे ये टू टाइप्स, कितने टाइप्स है रेस्पिरेशन के, दो टाइप. अब आपको अगर पता होगा कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं तब भी सरवाइव करते हैं, तो अर्थ के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं होती, फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं? इसका मतलब है कि उनको एनर्जी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी मिल सकती है, उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है. और जो हम हैं, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और हम ऑक्सीजन के बिना तो एक मिनट नहीं निकाल सकते. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारी रेस्पिरेशन नहीं हो सकती. तो दो टाइप आ गई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया व्हेन रेस्पिरेशन व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड takes place in the absence of oxygen. और यहां पे complete breakdown नहीं होती, incomplete breakdown takes place, incomplete breakdown of food takes place. यहां पे टोटल नहीं होती. इसकी दो टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. जितने भी हम वाइन, विस्की वगैरह यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, वो हम इन दी प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि इथाइल अल्कोहल बनता है. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम 15-20 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं तो हमारी टांगों में ऐसे गोल गोल स्फेरिकल पार्ट्स बन जाते हैं, किसके, स्किन के. फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको मालिश करनी पड़ती है, मसाज करनी पड़ती है उसको खत्म करने के लिए. वो क्या होता है कि हमारी बॉडी जब एक्स्ट्रा काम करती है, जितनी हमें ऑक्सीजन मिल रही है उससे हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इतना पैदल हम चलेंगे तो इतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिले. तो जब हम उतना पैदल काम करेंगे, यानी कि ज्यादा काम करेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी. तो ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए थी उससे कम होगी और जो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना चाहिए था वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के अंदर क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा और हमें पेनफुल जो है, इरिटेटिंग जो है मूवमेंट्स होंगी वो वाली. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड हमें क्या करता है, पेन करता है. ठीक है, तो ये आगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सेकंड आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब इसकी रिएक्शन मैं लिखूंगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो क्या आएगा,
C6H12O6। जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये बन जाएगा C2H5OH। इसको कर लो आप टू टाइम कर लो तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एनर्जी निकलेगी लेकिन बहुत कम एनर्जी होगी। ये आ गया हमारे पास, इसको भी टू कर लो तो हो गई बैलेंस। उसके बाद आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगी। ये आ गया C6H12O6। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो ये बन जाएगा CO2+H2O। यहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिवर्स टू फोटोसिंथेसिस आपने लिखना है। ये भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये भी 6। प्लस एनर्जी बनेगी कितने मॉलिक्यूल्स, 38 एटीपी मॉलिक्यूल, यहां पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो देखो कितना एनर्जी, यहां पे बहुत कम एनर्जी बनती है, यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। तो ये आ गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वहां पे हो गया इनकम। ये जो है ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में आकर करती है, और इसकी साइट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये आपको अगर डिफरेंसेस आ जाए एरोबिक और एनएरोबिक में, टेंथ में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप डिफरेंसेस लाइन लगा के भी लिख सकते हो। और अगर ऐसे पूछा जाए तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती है, और पहली एनारोबिक रेस्पिरेशन की आगे दो सब टाइप्स होती है, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की मैंने एग्जांपल दी है, तो दूसरा लैक्टिक एसिड होता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, और फिर आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके।